हेलो दोस्तों, अंकित बिजनेस ब्लॉग की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है अमित गुप्ता एंड सन से, जो कि डील करते हैं ऑल टाइप ऑफ स्टेशनरी आइटम। तो दोस्तों आप देख सकते हो इनके पास पेन, रूल, रबड़ वगैरह हर कुछ वैरायटी मिल जाती है, और इनके पास नोटबुक की वैरायटी मिलने वाली है। तो आप देख सकते हो इनके पास हर प्रकार की रेंज में ये डील करते हैं स्टेशनरी से संबंधित, और इनके पास गिफ्ट पैकिंग का मटेरियल भी मिलने वाला है। दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे करना चाहूँगा एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर पास वाले बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि ऐसी नई नई वीडियो हम लेके आते रहते हैं। दोस्तों, शॉप के ओनर से बात करते हैं और जानते हैं इनकी वैरायटी के बारे में। हेलो भैया। हेलो जी भैया, अपनी शॉप का क्या नाम रहेगा? हमारी शॉप का नाम अमित गुप्ता एंड सन्स है। अच्छा भैया, अपना एड्रेस क्या रहने वाला है? यहाँ पे हम सदर बाजार न्यू मार्केट प्याऊ वाली गली के अंदर है। हमारी शॉप का एड्रेस 5420A है। यहाँ पे आपको स्टेशनरी की वो वैरायटी मिलने वाली है जो आपको कहीं पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी। अच्छा सर, तो अपने पास हर प्रकार की रेंज मिल जाती है स्टेशनरी में ना? पेन और पेपर का हमारा मेन काम है, उसके अंदर आपको स्कूल स्टेशनरी के अंदर A to Z सारी वैरायटी हम दे देंगे। तो अपनी डील होलसेल में रहने वाली है? अपनी डील होलसेल के अंदर रहेगी। तो भैया, अगर कोई घर बैठे ऑर्डर देना चाहे तो कम से कम कितने का ऑर्डर दे सकता है? घर बैठे हमारा 10,000 से लेके 50,000, अगर कोई रिटेल करना चाहता है तो 10,000 के अंदर हम उसे कम से कम 153-150 वैरायटी दे देंगे, जिसकी वजह से उसका कस्टमर है वो हर चीज उसके पास चली जाएगी। अगर कोई होलसेल करना चाहता है तो वो तो 30,000 से लेके 50,000 जो भी अपना पैकेज बनवाना चाहे वो बना देंगे। अच्छा, तो कम से कम 10,000 से स्टार्टिंग करनी होगी ना जिसको? हाँ, स्टार्टिंग करनी है ना। तो कहाँ से दिखाने वाले हो वैरायटी अपनी? हम अपना पेन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो कितने से स्टार्ट हो जाते हैं अपने पास पेन? हमारे पास 3 रुपए सेल वाले भी हैं, उससे कम वाले भी पेन होते हैं। ये वाला पेन आपको 14.5 रुपए की डब्बी पड़ने वाली है, जो कि रिटेल होती है 60 रुपीज की। अच्छा, 14.5 की पड़ने वाली है ना, 20 पीस मिलेंगे। तो आप मतलब मार्केट में 2 रुपए का भी सेल होगा ना, तो भी डबल का मतलब आपको 73 पैसे का पड़ रहा है वाला। बिल्कुल आराम से 2 रुपए का सेल कर देंगे तो भी काफी अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। तो भैया, कोई मतलब क्वालिटी में कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं मिलेगी कि ऐसे तो ना आता पेन खराब निकल गए? ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास कोई शिकायत आती है तो हम उसके लिए यहाँ पे ऑल टाइम अवेलेबल हैं। हम इस चीज के कोई शिकायत वैसे देखी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई आ जाती है बाय चांस तो हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो भैया का काम मतलब काफी अच्छा काम रहेगा। आप एक बार विजिट भी कर सकते हो अगर विजिट करना चाहो, और अगर विजिट करना पॉसिबल नहीं है तो आप मतलब 10,000 लगा के काफी अच्छा काम स्टार्ट कर सकते हो। 10,000 भी नहीं, बाकी जैसा भी उनकी रेंज बने हम उसके हिसाब से उनका एडजस्ट कर लेंगे। और वो तो मतलब अगर कोई कांटेक्ट करता है तो उसके अनुसार है ना एडजस्ट हो जाएगी वगैरह। तो इसके बाद कौन सी वैरायटी आएगी? इसके बाद हमारे पास यहाँ पे डीएफ है, यहाँ पे सेंटर डीएफ आता है, ये अपना रिपल वाला डीएफ है। अच्छा, ये गोल्ड लग, ग्रेट लग, ये वाला बहुत बिकता है वाला पेन। ये पैनर में सेंटर पेन है, इसके अंदर ब्लैक, ब्लू, रेड सारे कलर मिल जाते हैं। ये सेंटर मिलेगा ना, तो सेंटर में कितने का पैकेट आ जाता है, मतलब एक पैकेट कितने का पड़ने वाला है? सेंटर में आपको 3 वाला पेन 1.5 रुपए का पड़ने वाला। अच्छा, 3 वाला पेन मात्र 1.5 रुपए का पड़ने वाला है ना। आप देख सकते हो सेंटर की वैरायटी मिल जाएगी। अच्छा भैया, इसके बाद और कौन सी? इसके बाद अपने पास ये रिपल मैंने आपको दिखाया, ये रिफिल वाले पेन 5 रुपए के रिटेल होते हैं। अच्छा, ये आपको यहाँ से सिर्फ 1.75 रुपए का पेन पड़ने वाला है। अच्छा, मात्र 1.75 रुपए का पड़ने वाला है ना। अच्छा, 5 रुपए। अच्छा, तो ये 20 पीस का पैकेट आता है ना? 20 पीस का पैकेट। अच्छा, तो कितने का पड़ जाता है 20 पीस का पैकेट? 35 रुपीज का। अच्छा, 35 रुपए का पड़ने वाला। आप देख सकते हो कितनी मतलब वैरायटी वगैरह काफी अच्छी है, खोल के क्वालिटी वगैरह भी काफी अच्छी रही। पॉइंट भी काफी अच्छा है, मैं आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखो, चलने में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बिल्कुल बिल्कुल है ना, तो क्वालिटी वगैरह काफी अच्छी रहने वाली है ना। अच्छा, इसके बाद और कौन सी वैरायटी दिखाओगे? इसके बाद हमारे पास ये है, इसी के अंदर जो मैंने आपको 5 वाला पेन दिखाया उसके अंदर थोड़ी अपर लेवल का है ये। अच्छा, इसमें ग्रिप मिल जाती है, यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाता है पतला 0.7 mm का। इसमें अच्छा, भी चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखिए, बिल्कुल आप देख पेन बिल्कुल स्मूथ। अच्छा, चलता है। ये कितने का पैकेट आ जाता है? ये आपको पड़ने वाला है 5 वाला पेन 2 रुपए में। अच्छा, 5 वाला पेन 2 रुपए में पड़ने वाला, मतलब 40 रुपए का एक पैकेट आ जाता है। 40 रुपए की पूरी डब्बी पड़ने वाली है आपको। तो भैया, अगर अगर मतलब एक सवाल और होता है, अगर कोई किसी को ज्यादा बल्क में ऑर्डर लेना होता है तो उसके लिए तो रेट और कुछ गुंजाइश नहीं? जो हमारे तरफ से आपका भी संबंध हमारे तरफ से बन रहा है तो हम आपके उनकी कस्टमर जो हमारे आपकी तरफ से हमारे पास आएंगे। अच्छा, उनकी बिल्कुल आप रिस्पेक्ट करेंगे। अच्छा, जितना हमारी तरफ से पाएगा उतना कुछ बिल्कुल नेगोशिएबल प्राइस करेंगे। बिल्कुल है ना, मतलब अगर कोई और ज्यादा बल्क में ऑर्डर देता है तो उसके लिए रेट है ना थोड़ी बहुत हो जाएगी गुंजाइश ना। अच्छा, इसके बाद और कौन सी वैरायटी दिखाओगे? उसके बाद अपने 5 वाले पेन के अंदर, इसके अंदर जो मैंने आपको वैरायटी दिखाई थी उसी का ही ये थोड़ा सा बढ़िया में है। इसके अंदर आपको 0.5 mm का पॉइंट मिल जाता है। अच्छा, ये भी चलने में के अंदर उससे अच्छा पेन है ये। अच्छा, उससे अच्छे। हाँ, ये कार्गो है, ये मेंटेक्स है, अलग अलग इसके ना अलग अलग वैरायटी आ जाती है। तो इस हिसाब से फिर हमारे पास डोम्स के पेन भी, डोम्स के, लिंक के, और अपने पास फाइन ग्रिप मिल जाएगा। ये फाइबर पॉइंट पेन होते हैं। अच्छा, ये भी बहुत बढ़िया बढ़िया चलते हैं। तो डोम्स के पेन का कितने का आता है? डोम्स का पेन आपका 3 रुपए का रिटेल वाला होने वाला पेन आपको यहाँ पे 1.90 रुपए का पड़ेगा। अच्छा, 1.90 रुपए मिल जाएगा, जो 3 रुपए में मार्केट में सेल होता है। हाँ जी, इसके बाद मैं आपको ये आर्ट लाइन का फाइबर पॉइंट दिखाता हूँ। अच्छा, लोग पूछते हैं फाइबर पॉइंट होता क्या है, तो मैं आपको इसको चेक करके भी दिखाता हूँ फाइबर पॉइंट होता क्या है मेन।
इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे फाइबर की टिप लगी हुई है। फाइबर की टिप का मतलब ये नहीं कि ये वाला पेन मोटा चलेगा या फिर पतला चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये पेन अगर आप इसको 180 पे भी चलाओगे या फिर 170 डिग्री पे भी चलाओगे तब भी वर्क करेगा ये। अच्छा, ये होता है इसकी खासियत। और ये आपको 10 रुपए पेन जो रिटेल होता है मार्केट में, ये आपको यहाँ पे सिर्फ 6.5 रुपए का पड़ेगा। अच्छा, मात्र 6.5 रुपए में पड़ने वाला है ना, आप देख सकते हो। मतलब ब्रांडेड आइटमों पे भी काफी अच्छा मार्जिन मिलने वाला है यहाँ से। हाँ जी भैया, इसके बाद कौन सी रेंज आने वाली है? इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपना काम पेन में, मेन काम अपना पेन का है, तो मैं आपको पेन की आज ऐसी वैरायटी दिखाऊंगा जो पूरे सदर में सबसे ज्यादा वैरायटी इस टाइम पे मेरे पास है। मैं आपको सारी वैरायटी दिखाता हूँ, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। अच्छा। ये देखिए, ये मेंटेक्स का पेन है, ये कलकत्ता से इम्पोर्ट होते हैं हमारे पेन। अच्छा। ये आपको सिर्फ 11 रुपीज का पैकेट पड़ने वाला है, मात्र 11 रुपए में पड़ने वाला है। जो 25 रुपए का रिटेल होता है वो आपको 11 रुपए में पड़ने वाला है। आप देख सकते हो 11 रुपए की रेंज में पड़ने वाला है। तो आप मतलब इसको 15 में तो आराम से री होलसेल कर सकते हो, आराम से मार्केट में होलसेल भी कर सकते हैं। 15 रुपीज हम यहाँ पे कोई सिंगल पेन है 16 रुपए दे देते हैं आराम से। अच्छा, है ना। यस। इसके बाद अपने वहाँ विन का पेन आ जाता है। अच्छा, ये विन भी अपना बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत प्रीमियम क्वालिटी भी पेन बनाती है वाले। इसके अंदर ये 5 वाला पेन है विन टिक। अच्छा। ये आपको पड़ने वाला सिर्फ 13 रुपीज का पैकेट। अच्छा, मात्र 13 रुपए में पड़ने वाला है ना, मात्र 13 रुपए का। मतलब 13 रुपए का माल के 25 रुपए रिटेल में बन जाते हैं आराम से। आप देखो, मतलब इनमें भी स्टेशनरी आइटम है। मेरे को लगता है यूट्यूब पे अब ये पहली शॉप होने वाली जो इतने कम दामों पे आपको मिलने वाला है, और जो भी 100% जेन्युइनिटी के साथ में। इसके बाद हमारा रेनॉल्ड्स कंपनी में हम थोड़ा जाए थोड़ा क्वालिटी के अंदर। अच्छा, तो ये हमारी रेनॉल्ड्स बहुत पुरानी कंपनी है, हमारे सारे भाइयों ने यूज कर रखा होगा। बिल्कुल। ये पेन आपको मात्र 14 रुपीज में पड़ने वाला है। अच्छा, जिसका रुपए में ना जो मार्केट जो होलसेल प्राइस थी, इसका होलसेल प्राइस 16 है, लेकिन मैं आपको फिर भी 14 में दे दूंगा। अच्छा, बिल्कुल, है ना। यस। तो भैया, मतलब मैंने सुना है कि इन पे जीएसटी वगैरह मतलब इंक्रीज हो गई है, तो उसका क्या रहने वाला है? वो मैं पहले सच बात आपके बड़ी रखता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। पेन पे 1 तारीख से 12% जो जीएसटी थी वो 18% हो गई है, जिसकी वजह से रेट में थोड़ा फ्लक्चुएशन आया। तो उसकी वजह से उसके ब्लेम हम नहीं है, वो जैसा भी पीछे रेट आता है, कंपनी जो हमें रेट देती है उस हिसाब से ही रेट जाएगा। अच्छा, क्योंकि मतलब रेटों में अंतर आने वाला है ना। रेट में कोई आइटम की रेटें बढ़ेगी तो आप मतलब वो नहीं, अगर कोई रेट बढ़ेगा तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन फिलहाल जो आज का रेट है वो हमारा रेट यही है जो मैं अच्छा जो आप बता रहे हो ना। यस। हाँ, तो हमारे यहाँ पे अब रॉयल्टो के अंदर पेन, ये जेल पेन में अपना ग्लाइडी पेन अभी नया लॉन्च हुआ है। अच्छा। इसके बाद हमारे जेल पेन में फ्लेयर का ये वाला पेन भी अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। अच्छा। ये वाला पेन हमारा फ्लेयर का जेट लाइन, ये भी हमारा अभी लॉन्च हुआ है। इसके बाद हमारे पास स्कूडल का पेन आ जाता है, ये भी अभी किसी ने यूज़ नहीं किया लेकिन बहुत बढ़िया पेन है ये वाला भी। अच्छा। इसके बाद हमारे पास फ्लेयर का इजी क्लिक, जो कि ऑल टाइम फेवरेट पेन है सबका। अच्छा, ये 5 रुपए वाली सेल। हाँ, का ये सब 5 रुपए की सेल में। अच्छा, ये सब 5। और ये आपको वैरायटी यहाँ पे देख रहा हूँ, इसके अलावा अच्छा। भी दुनिया भर की वैरायटी हमारे पास। मतलब पत्ते वाले आइटम भी मिल जाते हैं अपने पास, है ना। हाँ, ये कितने का आ जाता है पत्ता? ये पत्ता आपको पड़ने वाला है 98 रुपीज। अच्छा, मात्र 98 रुपए में पड़ने वाला है। मतलब इसके अंदर कलर वगैरह सब मिक्स रहते हैं? इसके अंदर आपको 4 रेड मिलेंगे, 6 काले मिलेंगे और 50 नीले। ये आपको पेन 1.60 रुपए का पड़ने वाला है। बिल्कुल, आप देख सकते हो, मात्र 1 रुपए 5 रुपए का पड़ने वाला, 5 रुपए बिल्कुल कलर के साथ, है ना। और अच्छा, अपने पास यहाँ पे कलर पेन भी अवेलेबल होगा। अच्छा, जो रंगीन पेन होते हैं ना, और जो भी कंपनी के है ना। गेट अच्छा, 10 कलर का पेन है ये। 5 वाला पेन आपको 3 रुपए का पड़ेगा, मात्र 3 रुपए में होलसेल प्राइस। अच्छा, 2 रुपए का मार्जिन रिटेल में मिलने वाला, पूरा पैकेट रिटेल होता है। अच्छा, और अपना ग्लिटर पेन प्लेयर का। अच्छा, ये ग्लिटर पेन आज की डेट में आपको 40 पैसे का पड़ेगा, मतलब 54 रुपीज पैकेट। अच्छा, 54 रुपए का पैकेट पड़ने जो वाला है, 100 का रिटेल होता। अच्छा। है। अब हम अपनी पेंसिल की वैरायटी की बात करेंगे, जो कि स्टार्ट होती है ओनली 65 पैसे। अच्छा। जो 3 रुपीज की रिटेल होती है वाली पेंसिल, ये आपको 65 पैसे की पड़ने वाली है। कितने पीस का पैकेट आता है ये? 100 पीस का पैकेट है, 100 पीस का पैकेट आता है, मात्र 65 रुपए में ना। तो 2 रुपए का भी बेचेंगे ना, तो भी काफी अच्छा मार्जिन है। अगर 1 रुपए इसको होलसेल प्राइस रख के दे दो तब भी आपको 35 रुपए पैकेट तो वैसे ही आ जाएंगे हाथ में। अच्छा। उसके बाद अगर इसकी थोड़ी सी बढ़िया क्वालिटी में आओ तो ये आपको 85 पैसे की पड़ेगी। अच्छा। हेक्सागन पेंसिल है लक्ष्य के नाम से, बिल्कुल नटराज की उसकी कॉपी समझ लीजिए आप। अच्छा। ब्लैक और रेड पेंसिल है, जो कि नाम से शक्ल देख के बिक जाती है ऐसी पेंसिल है। तो इसके बाद हम आपको दिखाते हैं अपनी रबर टिप पेंसिल। अच्छा। रबर टिप पेंसिल हेक्सागनल के अंदर आती है, 100 पीस का जार होता है। ये बॉम्बे पेंसिल है। अच्छा। ये आप यहाँ से देख सकते हो, इसके अंदर 5 शॉर्पनर भी हैं, जो कि 3 रुपए के रिटेल होते हैं। 5 शॉर्पनर मिलने वाले हैं, 5 शॉर्पनर मिलने वाले। इसके अंदर 15 रुपए की स्कीम है। अच्छा। ये पेंसिल आपको पड़ने वाली है 1.60 रुपए की, जो कि 5 की रिटेल होती है। अच्छा। 160 का बॉक्स पड़ जाएगा ना, 160 का आपको पूरा बॉक्स पड़ेगा। अच्छा। ये रबर टिप पेंसिल आती है। इसके बाद अगर इसमें और प्रीमियम सेगमेंट में जाओगे तो ये हमारी ट्रायंगल पेंसिल आ जाती है, इसके अंदर भी 15 रुपए की स्कीम है। 5 शॉर्पनर ट्रायंगुलर पेंसिल, वुडन पेंसिल है। अच्छा। रबर टिप के अंदर प्रीमियम क्वालिटी के अंदर आती है। ये कितने का जाता है? ये आपको पड़ेगा 180 का बॉक्स, मतलब 1.80 की पेंसिल, 1.80 रुपए की ना। Yes. 3 रुपए की सेल हो जाती है आराम से। यस। उसके बाद अगर और इसके ऊपर जाएं तो ये स्टूडेंट पेंसिल है।
अच्छा ये आपको पड़ने वाली है 1.30 रुपए की। अच्छा। जो 3 रुपए की रिटेल होती है, इसके अंदर ये रबड़ और ये शॉर्पनर भी निकलेगा। अच्छा ऐसे फ्री आएंगे ना? हाँ, ये इसके अंदर फ्री आते हैं। अच्छा। अब बात करते हैं रबर शॉर्पनर की, तो इसकी कॉस्ट होने वाली है आपको 75 पैसा। अच्छा ये 75 पैसे से स्टार्ट होता है, 3 रुपए जो रिटेल होता है शॉर्पनर, वो आपको 75 पैसे का हमारे पास से पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी के पास अगर रबर की बात करें तो 40 पैसे का आपको ये रबर पड़ेगा। अच्छा 40 पैसे का, 1 रुपए का भी सेल होगा तो भी डबल से ज्यादा मार्जिन मिल जाएगा, तब भी डबल से ज्यादा मार्जिन है। इसके बाद इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये हमारे पास आता है 10,000 पीस से कट्टे। अच्छा। अगर आप इसको लूज पैकिंग में लेते हैं तो लूज पैकिंग के अंदर आप ये पड़ेंगे 83 पैसे का शॉर्पनर। अच्छा। और 48 पैसे का रबर। अच्छा। जो 45 वाला 3 पैसे का आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर लेबर और हमारे कार्टेज लग जाते हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ, मतलब अगर कम क्वांटिटी में लेना होता है ना। अच्छा। उसके बाद हमारी फ्लोरोसेंट पेंसिल आ जाती है, हेक्सागनल में कलर पेंसिल है ये, कलर अच्छा। नहीं चलेगी तो ब्लैक ही। अच्छा। बॉडी इसी कलर आ जाती है, स्पार्कटेक पेंसिल है, अच्छी क्वालिटी की पेंसिल है। ये आपको पड़ने वाली है 1.40 रुपए की। अच्छा 1.40 रुपए पड़ने वाली है। 100 पीस का पैकेट है इसका इनर। उसके बाद अपने बाद क्वालिटी के ब्रांडेड की बात करें तो हमारे पास डॉम्स की पेंसिल ले जाती है, ये डॉम्स इंडस्ट्रीज ना, आप देख सकते हो। Yes. डॉम्स इंडस्ट्रीज की पेंसिल है। Victory. अच्छा ये विक्ट्री नाम से ना? इसके अंदर ये भी हेक्सागनल पेंसिल है, रबर शॉर्पनर इसके अंदर डॉम्स का ही निकलता है। अच्छा। मैं आपको दिखा देता हूँ, वरना कुछ लोग बोलते हैं कि ये कॉपी है, ये भी मैं कहा कि कॉपी नहीं है। अच्छा। आप इसको गूगल कर सकते हैं, विक्ट्री एक सर्टिफाइड कंपनी है जो कि डॉम्स के अंदर आती है। हेक्सागनल पेंसिल मल्टी कलर के अंदर इसका आता है। कितने का आ जाता है ये? 100 पीस का इनर है इसका। ये आपको पड़ने वाली है 2 रुपीज 2 पैसे। अच्छा 220 रुपए के, 220 रुपए में ना 100 पीस है ना। Yes. अच्छा 220 5 रुपए की सेल में चल जाएगी आराम से। 5 रुपए सेल आगे 35 रुपए एमआरपी होती है, उस हिसाब से जैसा कस्टमर का लगे। अच्छा वैसे ही सेल कर सकता है। 3 रुपए का भी सेल करेगा ना तो भी काफी अच्छा मार्जिन मिलेगा, क्योंकि मतलब रबड़ और कटर की स्कीम आ जाती है तो मतलब शॉर्पनर की स्कीम आ जाती है। इसी के बाद डॉम्स की Y1 आ जाती है, बहुत बिकने अच्छा। वाली पेंसिल है, ट्रायंगुलर पेंसिल वुडन के अंदर आती है, रबर शॉर्पनर इसमें डॉम्स का ही निकलेगा। ट्रायंगुलर पेंसिल मल्टी कलर के अंदर आती है, ये पड़ने वाली आपको 2.30 रुपए की पेंसिल। अच्छा 23 रुपए डब्बी, जिसके अंदर 56 रुपए का माल होता है। अच्छा। बस 5 रुपए से कम की पेंसिल कोई रिटेल नहीं होती। अच्छा। में इसके अंदर आपके 50 रुपए की पेंसिल, 3 रुपए का शॉर्पनर, 3 रुपए का रबर होता है। अच्छा भैया ये आपको पड़ने वाली है 2.30 रुपए की। इसका भी 100 पीस का इनर है, एक पैकेट आते हैं इनके, आपने देख रखे होंगे वो। हाँ, हाँ, मैं अगर आपको वो चाहो तो पैकेट दिखा सकता हूँ। ऐसे इसके 100 पीस का इनर होता है, इसके अंदर एक रबर एक शॉर्पनर सबके अंदर मिलेगा। ये नटराज की फ्लोरा पेंसिल है, रबर टिप पेंसिल है, डिजाइन में आती है नटराज की, टॉप बहुत बिकने वाली पेंसिल है। इसके आपकी कॉस्ट पड़ने वाली है 3.10 रुपए। अच्छा 3.10 रुपए 3.10 रुपए 310 रुपए का ये होलसेल पैकेट आपको अच्छा। पड़ेगा, जिसकी एमआरपी आपको सामने 500 रुपए आती है। अच्छा आप देख सकते हो 500 रुपए की एमआरपी है, तो ये 5 रुपए की सेल वाली आइटम है। 5 रुपए की सेल वाली आइटम है। अच्छा। इसी के बाद अपनी अप्सरा की जाती है, आपको पता होगा अप्सरा नटराज एक ही कंपनी है। बिल्कुल। अप्सरा प्लेटिनम एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल है ये। अच्छा 3.40 रुपए की पड़ने वाली है आपको, 56 रुपीज का सामान है इसके अंदर, और वही 100 पीस की पैकिंग है। उसके बाद में आपको एक नई चीज दिखाता हूँ, रेनॉल्ट की वाइब्रेंट। अच्छा ये जस्ट अभी पेंसिल लॉन्च हुई है, ये हमारे पास ही आई सबसे पहले। अच्छा। मल्टी कलर में हेक्सागनल पेंसिल है, इसकी एमएमबी साइज भी उसका काफी उससे बड़ा है। अच्छा इसी के अंदर रेनॉल्ट का रबर और रेनॉल्ट का शॉर्पनर आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, साइज में भी उसका काफी बड़ा रहता है। ये कितने का ये 3.3 रुपए वाली एमआरपी के अंदर, सेम 56 रुपीज का माल है। अच्छा ये आपको पड़ने वाली है 3.30 रुपए। अच्छा 3.30 रुपए, हाँ जी, यानी 330 रुपए का होलसेल प्राइस जो भी है। इसकी अच्छा। भी एमआरपी 500 जाती है। अच्छा और इसी के अंदर मैं आपको रेनॉल्ड्स की एक नई पेंसिल और दिखा देता हूँ, रेनॉल्ड्स की एनर्जी। इसकी लुक इतनी शानदार है, बिल्कुल स्पोर्टी लुक है। ट्रायंगुलर पेंसिल में ब्रांडेड आइटम है ना, काफी आसानी से ये सब ब्रांडेड आइटम है और ये रखते ही बिक जाती है काउंटर। बिल्कुल एक बार इसकी लुक देखो आप। अच्छा आप देखिए, नियॉन कलर में ट्रायंगुलर पेंसिल है, स्पॉटी लुक है बहुत। अच्छा। बहुत अट्रैक्टिव पेंसिल है ये वाली। इसका कॉस्ट पड़ने वाली है आपकी 3.30 रुपीज 30 पैसे और इसका अच्छा। 90 पीस का इनर आता है। अच्छा। जो इसका पैकेट है ट्रायंगुलर पेंसिल का, इसका इसकी 9 डब्बी होती है पैकेट में। अच्छा। उसी हिसाब से पैसे लगेंगे। अच्छा, 9 डब्बी होती है, उसी हिसाब से पैसे लगने वाले ना। उसके बाद अपनी आ जाती है नटराज की ऑल टाइम फेवरेट पेंसिल बच्चों की, रेड एंड ब्लैक, सेम आपके वही 500 रुपए एम आर पी है। अच्छा। इसके अंदर 56 का माल होता है और अच्छा। आपको ये पड़ने वाली है ओनली 25 रुपए बॉक्स। अच्छा मात्र 25 रुपए का ओनली, मतलब होलसेल प्राइस का जो इसका पैकेट है 100 पीस का। अच्छा। वो 250 रुपए का पड़ने वाला है ना ये। अब इसके बाद हमारे ये रबर पेंसिल आ जाते हैं। अच्छा रबर से ये आपको 35 पैसे का पड़ने वाला। अच्छा 100 पीस का पैकेट है ये वाला। अच्छा। और ये मिस्टर क्लीन का है, ब्रांडेड कंपनी है ये वाली। अच्छा ये 35 पैसे का पड़ेगा आपको। अच्छा मात्र 35 पैसे, हाँ जी मात्र 35 पैसे का रबर। 1 रुपए का भी सेल करोगे तो भी काफी डबल से ज्यादा मुनाफा मिल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको वाला शॉर्पनर दिखाई देता 75 पैसे वाला, उसके अगर थोड़ा सा ऊपर आओगे तो ये बॉक्स के अंदर आ जाता है शॉर्पनर। बॉक्स के अंदर 1.20 रुपए का पड़ने वाला आपको इसका शॉर्पनर, नटराज शॉर्पनर के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा ये तो भी आपका 2 रुपए का भी सेल हो जाएगा ना, तो हाँ भी मतलब काफी अच्छा मार्जिन मिलने वाला है। हाँ इस पे भी है ना, ये आपकी डब्बी पूरी 60 रुपीज की रिटेल होती है। अच्छा और यहाँ पे आप 22 रुपए की पड़ने वाली है ना, 20 पीस होते हैं इसके अंदर। इसका भी 100 पीस का अपना पैकेट आता है,
फिर यहीं पे अपना डॉम्स का जाता है, डॉम्स का आपने देखा होगा 3 रुपए एमआरपी वाला शॉपनर होता है ये, 20 पीस का पैक होता है इसका, ये आपको पड़ने वाला 1.75 रुपए। अच्छा, 1.75 रुपए का आपको डॉम्स का शॉपनर पड़ेगा। इसी के अंदर शॉपनर की बात करें तो 5 वाला शॉपनर भी आता है डॉम्स के अंदर, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, एक्स्ट्रा लास्ट शॉपनर होता है ये। अच्छा, ये आपको पड़ने वाला 65 के 20 पीसेस, उसके बाद अपना मिस्टर क्लीन का है। डॉम्स के 5 वाले दबा बहुत वैरायटी आती है इसके अंदर, ये थोड़ी अलग वैरायटी है, उससे सस्ती और उससे बढ़िया क्वालिटी के अंदर मिस्टर क्लीन का इतना ये 5 वाला रबर सेल होता है। अच्छा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। यस, ये अच्छी क्वालिटी का है, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वालिटी के अंदर है। अच्छा, आप ये आपको पड़ने वाला है 2.90 रुपए का रबर। अच्छा, 5 रुपए एमआरपी वाला, 2.90 रुपए का ना। ये सब होलसेल प्राइस है, आप अगर रिटेल के लिए आओगे तो ये रिटेल वाला प्राइस नहीं है, रिटेल वाला प्राइस नहीं। हाँ जी, बॉक्स मिलेंगे ना। उसके बाद मैं आपको ये पेंसिल कलर दिखा देता हूँ। अच्छा, 15 रुपए एमआरपी में है ये, आपको पड़ने वाला 6.5 रुपए का, 12 कलर का सेट आता है, तो 10 रुपए का तो रिटेल में। हाँ, 10 रुपए का रिटेल अपने आप जाता ही है। अच्छा, पेंसिल कलर के अंदर अपने 6.5 रुपए का पड़ने वाला है, 12 कलर। अच्छा, उसके बाद अपने 25 एमआरपी में आ जाता है। इसके अंदर स्कीम आती है शॉपनर की, लास्ट शॉपनर जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, 12 कलर का सेट होता है अपना, 25 रुपए एमआरपी वाला, आपको 14 रुपए का पड़ने वाला है। 14 रुपए का पड़ेगा, 140 रुपए। अच्छा, 20 रुपए का भी सेल करोगे तो भी काफी अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा मार्जिन है, 20 रुपए का भी। क्यों, ये सब चीजें एमआरपी पे सेल होती है। फिर इसके बाद अगर पेंसिल कलर की और बात करें तो ये 50 वाला पेंसिल कलर है, ये ऑलमोस्ट फुल साइज के अंदर ही आता है। अच्छा, इसके अंदर भी आपको स्कीम मिलने वाली है, स्कूडल की ट्रायंगुलर। अच्छा, पेंसिल के अंदर आ जाता है वुडन में, ये देखिए। अच्छा, ये आपको पड़ने वाला है 50 वाला पेंसिल कलर ओनली 28 रुपीज। अच्छा, मतलब 280 का पूरा पैकेट। अच्छा, 280 का पूरा पैकेट, 28 रुपए का एक पैक मिलने वाला है, एक पैक मिलने वाला है। उसके बाद मैं आपको मैकेनिकल पेंसिल दिखा देता हूँ, ये रेनॉल्ड्स ने अभी जस्ट लॉन्च करी है, 0.5 और 0.7 की, 5 रुपए की सेल है मैकेनिकल पेंसिल। ये इसके अंदर 2 साइज आते हैं, 5 और 7 जैसे मैंने बताया। अच्छा, इसकी लीड भी आपको मिल जाएंगी। ये आपके 5 वाले के अंदर ये हो गई। उसके बाद आपने देखा होगा सेलो की भी इसके अंदर आती हैं। अच्छा, सेलो की मैकेनिकल पेंसिल ग्रिप के अंदर बहुत डिमांडिंग पेंसिल है वाली। हाँ। 0.1, 9, 5, 7। अच्छा, सब तीनों साइज आपको मिल जाएंगे। ये कितने का जाता है अपने यहाँ से पैकेट? ये पैकेट अपने पड़ने वाला है 6.5 रुपीज, मतलब 65 रुपीज। अच्छा, 65 रुपए का 10 पीस का पैकेट, 65 रुपए, 6.5 रुपए का एक पीस पड़ेगा, तो 10 रुपए की सेल वाली आइटम है ना। अच्छा, और ये 5 रुपए की सेल वाली आइटम 3.40 रुपए की पड़ने। अच्छा, ये 5 रुपए की, मतलब 18.40 रुपए की पड़ने वाली। सॉरी, 3.60 रुपए, 18.60 रुपए, 18 रुपए का एक पैकेट पड़ेगा। अच्छा, 18 का ये पैकेट। मतलब स्केच की वैरायटी मिल जाएगी अपने पास? स्केच के बाद आपको 10 वाला 20 वाला 25 वाला 30 वाला। मतलब 10 वाले कितने से कितने का जाता है? 10 वाला आपको पड़ेगा 6 रुपए। अच्छा, उसके बाद अपना 6 रुपए का जाता है, 25 रुपए, या फिर ये 25 रुपए एमआरपी वाला आ जाता है। ये आपको पड़ने वाला है 15 रुपए। अच्छा, ये 15 रुपए का पड़ेगा, 12 कलर का सेट है। अच्छा, आप देख सकते हो 15 का लेके आप 20 का भी बेचोगे ना, तो भी मतलब 30% के करीब। नहीं, ये सब आइटम जो एमआरपी, ये सब छोटे मोटे आइटम होते हैं, ये सब एमआरपी पे ही बिकती है। बिल्कुल है ना, एमआरपी पे बिक जाती है, पर कोई कोई मतलब एरिया में कंपटीशन ज्यादा होता है तो कम का बेचना पड़ता है। जैसे कोई चीज है 249 एमआरपी है तो उस पर थोड़ा बहुत नेगोशिएशन लोग कर लेते हैं, लेकिन छोटे मोटे आइटम पे इनपे नेगोशिएशन बहुत मुश्किल है। जैसा मार्केट होता है, जितना ज्यादा कंपटीशन होता है, जैसा अभी समझ भी गए होंगे कि जितनी महंगी आइटम जाएगी उतना मार्जिन आपका बढ़ेगा। जितना छोटा आइटम, जैसे मैंने 75 पैसे का बताया, 2 रुपए का बेचा, तो 1.25 रुपए का माल। अब उसमें कोई क्या नेगोशिएबल करेगा। इसके बाद हमारा लग्जर का काला स्केच आ जाता है। अच्छा, 10 पेन का सेट है ये आपको 16 रुपीज का पड़ने वाला है। अच्छा, इसका अगर आप पूरा बॉक्स की इनर की बात करें तो उसके 50 पैकेट्स है। अच्छा, 50 पैकेट्स एक इनर में आते हैं इसके, मात्र 1.60 रुपए का, 1.60 रुपए का पड़ने वाला। इसके बाद हमारे पास स्केल की वैरायटीज आ जाती है। अच्छा, इसके बाद स्केल की वैरायटी, छोटे वाले स्केल है। अच्छा, सबसे सस्ता कितने से स्टार्ट? सबसे सस्ता आपको स्केल पड़ेगा 3 रुपए वाला, जो की नालीदार स्केल से बोला जाता है। अच्छा, और ये अपनी हाउस मैन्युफैक्चरिंग है हमारी। अच्छा, आप देखो मतलब क्वालिटी भी काफी अच्छी है ना। अच्छा, कितने का मिल जाता ये है? आपको 1.30 रुपए का पड़ने वाला है। अच्छा, 1.30 रुपए का ना। इसके अंदर हम आपको एक अपॉर्चुनिटी ये देते हैं, अगर आप इसके क्वांटिटी में लोगे। हाँ। तो जैसा यहाँ पे हमारा मार्केट डीलक्स डला हुआ है। अच्छा, इसकी जगह हम आपका नाम लगा देंगे फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, अपने नाम से भी ले अपने आप, हम आपकी ब्रांडिंग बना देंगे। क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए ना। अच्छा, इसका 10,000 का कट्टा आता है, लेकिन आप खुले लोग 100 पीस के आते हैं। 100 पीस आते हैं, मतलब ऐसी 10 डब्बी। अच्छा, इसके बाद हमारा सोनाटा आ जाता है। सोनाटा। अच्छा, ये पाउच पैकिंग स्केल है 5 रुपए की सेल में। अच्छा, ये आपको पड़ने वाला 2.20 रुपए। अच्छा, 2.20 रुपए की पड़ने वाली है ना एक। उसके बाद हमारा नोकिया आने वाला है, नोकिया गोल्ड। ये 15 पीस की पैकिंग होती है, बिल्कुल नटराज जैसी। अच्छा, ये आपको पड़ने वाला 1.40 रुपए का आपको। अच्छा, 1.40 रुपए का पड़ने वाला, 21 रुपए की डब्बी पड़ने वाली। हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास थोड़ा बड़ा स्केल के अंदर आ जाओ, 12 इंची में जाते हैं। ये 10 रुपए का रिटेल होता है। अच्छा, ये 10 वाला रिटेल होने वाला आपको 4.5 रुपए का पड़ेगा। अच्छा, 4.5 रुपए का मिलने वाला है, आप देख सकते हैं। ये ध्यान से, कैमल नहीं है, कमल है। अच्छा, ये कमल है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, आप देख सकते हो काफी अच्छा मार्जिन मिलने वाला है ऐसे करके। अच्छा, उसके बाद हमारा थोड़ा ब्रांडेड आ जाता है ऑक्सफोर्ड।
ये बहुत हैवी पीस है, ये आपको 6.5 रुपए का पड़ेगा। अच्छा, ये भी 10-10 पीस का डब्बी होती है, इसके 100 पीस का पैकेट होता है। 6.5 रुपए में पड़ने वाला है ना। और इसमें भैया लोहे वाले भी आते हैं? हाँ, लोहे वाला मैं आपको दिखाता हूँ, 12 इंची बहुत डिमांडिंग स्केल है ये वाला। तो ये भी 10 रुपए सेल वाला है ना? हाँ हाँ, ये 12 पीस का पैकेट आता है, ये 20 रुपए की सेल वाला है। अच्छा, 20 में सेल हो जाता है। ये आपको 10.80 रुपए का पड़ेगा, जो 20 का बिकेगा। अच्छा, 20 का बिकने वाला है ना, 10.80 रुपए का पड़ने वाला। तो क्वालिटी तो काफी हैवी है, आप देख सकते हो। क्वालिटी इसकी बहुत है, मतलब देखने से तो क्या पता लगेगा जब हाथ में लोगे। जब हाथ में लोगे, ये डब्बी ही कम से कम 700 ग्राम की डब्बी होगी। अच्छा, काफी हैवी क्वालिटी है ना। अच्छा, तो अब हम दिखाने वाले हैं आपको फेविकॉल। अच्छा, फेविकॉल की वैरायटी आने वाली है ना। अच्छा, 10 वाली फेविकॉल आपको 35 रुपए की पड़ेगी। अच्छा, ये 35 रुपए का बॉक्स आएगा ना? हाँ जी। तो 10 पीस होते हैं ये इसमें? 10 पीस आप देख सकते हो, 10 पीस होते हैं। तो ये मतलब अपने अपने मार्केट के अनुसार है, कोई मार्केट में 10 की सेल हो जाती है, नहीं तो 5 की तो सेल होती ही होती है ना। अच्छा, ये आपको 3.5 रुपए की पड़ेगी। अच्छा, 3.5 की पड़ने वाली है, आप देख सकते हो काफी अच्छा मार्जिन मिलेगा इसमें। ये वाली आपकी 20 रुपए एमआरपी में आपको ये, अच्छा, 5.5 रुपए की पड़ेगी। आप देख सकते हो 20 रुपए रहेगी, 55 रुपए का बॉक्स पड़ने वाला है, मात्र 5.5 रुपए का पड़ने वाला है। इसके बाद हमारी ये गम आ जाती है। अच्छा, ये इस पर 10 रुपए मारती है, लेकिन मेनली बिकती 5 की है। अच्छा, 5 की बिकती, ये है आपको 75 रुपए के 30 पीस पड़ने वाले हैं। अच्छा, 75 रुपए में 30 पीस पड़ने वाले हैं। 75 रुपए में 30, तो 2.5 रुपए का पड़ जाता है एक पीस, है ना? तो 2.5 रुपए का लेके 5 रुपए का सेल करोगे, डबल का मार्जिन, डबल मार्जिन है पूरे पे। ये अपनी गम की बोतल आती है, इसकी भी काफी डिमांड आती है, सुपर किंग हिट के नाम से आती है। अच्छा, ये आपको 3.5 रुपए की पड़ेगी। अच्छा, 3.5 का पड़ने वाला है ना। कितने पीस होते हैं ये? 10 पीस की लड़ी होती है, और ऐसी 10 लड़ियों की एक पेटी होती है। अच्छा, तो 35 रुपए का एक पड़ने वाला है ना। इसके बाद हमारी आवाज फेविकॉल आ जाती है, 5 वाली फेविकॉल, ये आपको पड़ने वाली 2.40 रुपए की। अच्छा, 24 रुपए की एक लड़ी है ना? हाँ जी, 24 रुपए की लड़ी। अच्छा, और ये हमारी पेप्सी गम आ जाती है, जो इस चीज के, जो जार के अंदर लड़ी हमने आपको, अच्छा, दिखाया गम, ये इसके अंदर ये पैकेट में जाती है। अच्छा, ये पैकेट, ये आपको पड़ने वाली है 1.90 रुपए की। अच्छा, मात्र 1.90 रुपए की। हाँ जी। अच्छा भैया, कितने पीस का सेट आता है? 10 पीस का सेट है, और ऐसी ही 10 लड़ियों का एक बॉक्स आता है इसका। तो 10 पीस मात्र 19 रुपए में। हाँ जी, काफी अच्छा मार्जिन मिलने वाला है इसमें। उसके बाद क्वालिटी वगैरह सही रहेगी? क्वालिटी की हमारी गारंटी होगी, जेन्युइन क्वालिटी सारी रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एशियन पेंट्स की तरफ से एक नई प्रोडक्ट हमारे सामने आया। अच्छा, एशियन पेंट्स की तरफ से ये 25 ग्राम के अंदर फेविकॉल बॉल शेप के अंदर काफी फैंसी लुक के अंदर आती है। मतलब लुक भी कितना अच्छा रहने वाला, फैंसी लुक मिलेगा। ये 10 रुपए की एमआरपी में आती है। अच्छा, 10 रुपए की एमआरपी में कितने दे दोगे भैया? ये आपको दे देंगे हम 6.80 रुपए में दे देंगे। अच्छा, 6.80 रुपए में एक पीस पड़ने वाला है। ऐसे 10 पीस का जार होता है? 10 पीस का सेट होता है। अच्छा, ये पूरा सेट रुपए का बॉक्स पड़ेगा। उसके बाद मैं देख रहा हूँ आपके पास एलपी वगैरह की वैरायटी है। एलपी आपको ये 5 वाली एलपी पड़ने वाली है, 1.75 रुपए की, यानी डबल से डबल मार्जिन। अच्छा, आप देख सकते हो मार्जिन तो काफी अच्छा मिलने वाला है। तो कितने पीस होते हैं ये? 50 पीस का पैकेट होता है, और इसकी सूखने की, खराब निकले कोई भी, उसकी पूरी गारंटी हमारी होगी। कितने दिन तक की गारंटी होती है? ये हमारी 2 साल की हमारी इसकी गारंटी है। अच्छा, तो आप मतलब जब भी सूख जाती है तो वापस लेके आ सकते हैं, पर इसको है ना मतलब ब्रेक नहीं करे ना। हाँ, ब्रेक भी नहीं, अगर आप 2 पीस भी ले जाओ, मैं 2 पीस के पैसे आपको आपसे दे दूंगा। फैक्ट्री की बात करते हैं। अच्छा, ज्योमेट्री आ जाएगी ना, स्टील वाली ज्योमेट्री है, 15 रुपए की सेल में आती है। ये सामान होता है इसके अंदर, मैग्नीफाइंग ग्लास आपको बहुत ही कम, रेयर चांस है जो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास भी मिलेगा। अच्छा, कंपास, एक डी, एक रूलर और एक मैग्नीफाइंग ग्लास मिलता अच्छा। है। ये आपको पड़ने वाली है 7.5 रुपए की। अच्छा, ये 90 रुपए दर्जन का आता है ना? हाँ जी, 90 रुपए दर्जन। अच्छा, ये पड़ने वाला है 140 का बॉक्स, 14 रुपए पीस, 20 की सेल में। अच्छा, इसके अंदर पूरा सामान मिलेगा, 14 रुपए का पर पीस पड़ने वाला है ना। हाँ जी। अच्छा, आप देख सकते हो मतलब 10-10 पीस का बॉक्स आता है ना, का बॉक्स आता है इसका। इसके बाद हमारे पास थोड़ा सा ऊपर अगर आओ तो ये देखिए, ये 225 रुपए के अंदर आपको बॉक्स पड़ेगा। अच्छा, 22.5 रुपए की रेट में मिलेगा। हाँ, आप देखो मतलब 22.5 पूरी वैरायटी मिल जाएगी इसके अंदर ना बच्चों के लिए, तो काफी अच्छी मतलब कैंची भी मिल जाएगी इसमें। अच्छा, इसके बाद एक वैरायटी और है इसी रेंज में। अच्छा, एक नहीं 2 वैरायटी है। अच्छा, वैरायटी तो काफी मिल जाएगी अपने पास, है ना? ये देखो। अच्छा, ये भी 225 में पड़ने वाला। अच्छा, ये नाम दूसरा आ जाता है हमारा। अच्छा, काफी सारे नाम हाँ, जाएंगे अलग अलग। ये बैंड 10 के नाम से। अच्छा, ये थोड़ा करेक्टर में जाता है। हाँ, बिल्कुल बच्चों के लिए अच्छे अच्छे करेक्टर में। इसके बाद अपना मैजिक, ये भी सेम 225 का पड़ने वाला। ये भी सेम 225 रुपए की रेट में। अच्छा भैया, इसके बाद हमारे पास थोड़ा सा और ऊपर आओगे तो विनर के नाम से आता है, 280 रुपए का बॉक्स है। अच्छा, बहुत प्रीमियम क्वालिटी में पर पीस पड़ेगा। उसके बाद हम प्लास्टिक के अंदर अपना आ जाए। अच्छा, प्लास्टिक में कितने से स्टार्टिंग हो जाती है? 10 रुपए की सेल के अंदर आपको ये पड़ेगा, सिर्फ 6.5 रुपए का। अच्छा, मात्र 6.5 रुपए का पर पीस पड़ेगा, है ना? इसके बाद हम लो क्वालिटी के अंदर कम डील करते हैं, हाई क्वालिटी के अंदर आते हैं। प्रताप का आपने किसी भी बढ़िया चीज पे अगर सुनोगे तो ज्योमेट्री के अंदर सबसे टॉप पे प्रताप का नाम आता है। ये आपको फर्स्ट के अंदर प्लास्टिक के अंदर मिलेगा, टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट है। अच्छा, 27 रुपीज पर बॉक्स आपको ये पड़ने वाला है। अच्छा, 27 रुपए का। हाँ जी, एक पीस पड़ने उसके बाद आपको ये मिलने वाला है 32 रुपए पर बॉक्स। ये देखिए। अच्छा, आप देखो मतलब फ्री वाला प्लास्टिक की क्वालिटी रहेगी ना, तो काफी अच्छी पीस मिलने वाला है। उसके बाद हम आपको ये 50 रुपीज वाला पीस दिखाते हैं। अच्छा, ये स्टेयर्स वाला है।
नहीं सेम ही ट्रे वाला है। अच्छा ट्रे वाला है ना, ये भी ट्रे वाला 50 रुपए का, 50 रुपए पीस। अच्छा, ये बहुत हाई क्वालिटी के अंदर है वाला, ये बहुत हैवी पीस वगैरह काफी अच्छी। हाँ, इसके बाद हमारा गेम वाला पीस आ जाता है, ये मैकेनिकल में है। अच्छा, इसके बाद अंदर इसके देखें, एक ट्रे मिल जाती है हमें बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कितने का जाएगा? ये आपको पड़ने वाला है 50 रुपीज। अच्छा, ये 50 रुपए की। इसके बाद हमारा आता है 55 रुपीज में लाइट वाला ज्योमेट्री बॉक्स। अच्छा, लाइट वाला ज्योमेट्री बॉक्स आप देख सकते हो, मतलब काफी अच्छी वैरायटी मिलने वाली है ना। इसके अंदर भी आपको एक ट्रे मिल जाती है। अच्छा, और दिखाता हूँ, ये आपको डबल डेकर बॉक्स बोलते हैं। अच्छा भैया, ये देखिए, ये आपको 32 रुपीज का पड़ने वाला है। अच्छा, ये 32 रुपए की रेट में जो ज्योमेट्री के अंदर भी काफी सारी वैरायटी आप देख सकते हो इनके पास। इसके बाद आपने स्लाइड, प्लास्टिक के अंदर सामान बहुत कम मिलता है, लेकिन हम वो भी आपके लिए ले आए हैं। अच्छा, ये देखिए, इसके अंदर आपको एक पिन मिल जाती है और सारा सामान आपको मिलेगा। अच्छा, दबा शॉप ना, ये आपको पड़ने वाला है 30 रुपीज। अच्छा, मात्र 30 रुपए में ना। यस, इसके बाद आप ये वाला चीज देखिए, ये गेम वाला, ये मैजिक वाला बोला जाता है इसको। अच्छा, ये पूरा घूम जाता है, यहाँ पे ब्लू प्रिंट है, ये पूरा राउंड 360 घूम के यहाँ पे रेड आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ये बहुत डिमांड होती है। यस, इसके बाद अपना डबल डोर में जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा साइज आ जाता है, ये फुल साइज में आता है। अच्छा, ये आपको पड़ने वाला है 40 रुपीज पीस। अच्छा, 40 रुपए का। हाँ, पर पीस 40 रुपए पर। इसके बाद हमारा आता है मार्कर वाला ज्योमेट्री बॉक्स। अच्छा, इसके अंदर हमारे 4 साइड ओपन बॉक्स है ये। फर्स्ट यहाँ पे आप मार्कर यूज कर सकते हो, उसके बाद आप अपना सामान रख सकते हो। अच्छा, फिर अपनी ट्रे भी मिल जाती है हमें, उसके नीचे आपको मार्कर मिलता है। ये मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ, ये देखो, ये अपने आप मार्कर चलाया और यहीं से आप इसको रब कर सकते हो। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मार्कर अगर आपका खत्म हो जाए तो ऐसा जरूरी नहीं कि इसी का मार्कर चलेगा। अच्छा, कोई भी नॉर्मल मार्कर से आप इसे यूज कर सकते हो।